क्या सेना की आड़ में सरकार जवाब देने से बच रही है? सीधा प्रश्न है संबित जी। बिल्कुल देखिए अंजना जी, बहुत उदार पूर्वक मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने एक बहुत सीधा प्रश्न पूछा था मेरे भाई पवन खेड़ा जी से कि क्या पवन खेड़ा जी एक व्यक्ति के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में मानते हैं कि मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है चाइना को, जैसा कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गलवान वैली हैज बीन सरेंडर्ड। जवाब नहीं दिया गया। आप पवन जी फिर भी आप और 5 सेकंड लेके मुझे हाँ या ना में आप क्या मानते हैं, ले लिया है? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपने उत्तर दे दिया, आप मैं उत्तर देता हूं। प्रधानमंत्री पवन जी का मानना है कि इंडियन मिल, एक सेकंड पवन भाई आराम से आप उठा सकते हैं मेरी तरह। आपने नहीं सुना होगा, हो सकता है गूगल कर रहे हो। आपने कहा कि सरेंडर कर दिया, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं एक बार और मैंने सुन लिया अंजना जी, मैंने सुन लिया। आप मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद बोल लेंगे पवन जी आराम से। मैं बोल लेता हूँ, आप बोल लीजिएगा, वरना मैं बोल ले फिर मैं आऊंगी आपके पास। पवन जी पहले संबित जी बोल ले फिर मैं आऊंगी आपके पास इसका जवाब। ठीक देखिए पवन जी ने कहा कि हाँ ठीक है, इंडिया की मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है। मैं यहाँ आज तक कहा अंजना जी, इंडिया की मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर नहीं किया। काउंटर कीजिएगा, मेरे बात बोल लीजिए। हाँ काउंटर कर लीजिए। मिलिट्री का मैं, तो आपने नहीं बोला है, ठीक है, आपने नहीं बोला, ठीक है, आपने नहीं बोला है, आपने नहीं बोला है। सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज सुन लीजिए चर्चा में अंजना जी। देखिए अंजना जी, अगर मैं भी पीछे बोलता रहूंगा तो डिबेट नहीं हो पाएगा। एक बारी बारी से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये उचित नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। देखिए अंजना जी, इसी एक प्रश्न में, अंजना जी इसी एक प्रश्न में सब कुछ छुपा हुआ है। मैंने इनसे पूछा कि क्या मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया, इन्होंने कहा अभी कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। मतलब गलवान वैली सरेंडर नहीं हुआ, मतलब राहुल गांधी झूठ ट्वीट कर रहे थे कि गलवान वैली सरेंडर हो गया। अब देखिए इनसे जब भी ये प्रश्न पूछेंगे तो ये इनका जवाब होता है, आप मिलिट्री को क्यों बीच में ला रहे हैं, आप मिलिट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मिलिट्री को का राजनीतिकरण हो रहा है, आप राजनीतिक रूप से बोलिए। देखिए मोदी जी सरेंडर कर देते हैं, गलवान वैली सरेंडर हो गया, मतलब क्या मोदी जी सरेंडर करते हैं का अर्थ क्या है? कोई मोदी जी ने अपने घर का सिलेंडर सरेंडर कर दिया, मोदी जी ने अपना क्वार्टर सरेंडर कर दिया, मोदी जी ने अपना कोई सामान सरेंडर कर दिया? मोदी जी सरेंडर करने का मतलब होता है कि देश की किसी भूमि को सरेंडर किया है। और चूंकि राहुल गांधी ने कहा था कि गलवान वैली को सरेंडर कर दिया था, यह प्रश्न बहुत सटीक है कि क्या कौन सरेंडर करेगा? मिलिट्री के पास ही होता है, रक्षा का विषय मिलिट्री के पास होता है। तो यह जवाब देने को तैयार नहीं है कि मिलिट्री ने सरेंडर किया कि नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, इनका जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि एरिया, जवाब दीजिएगा। इन्होंने कहा कि ये जो अंजना जी ने आज रिपोर्ट पढ़ा कि पीछे हट जाएगी चीन की सेना, पीछे हट जाएगी भारत की सेना, पीछे हट जाएगी, कौन पीछे हट जाएगा अगर कब्जा ही नहीं हुआ? मैं आज तक में इसे समझा देता हूं ताकि कांग्रेस के लोग इसे समझ जाए। अंजना जी, एक लाइन ऑफ कंट्रोल होता है LAC, एक होता है बॉर्डर। बॉर्डर वो होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है। इंडिया का बॉर्डर तो बहुत आगे है, घुसपैठ करके चीन ने अक्षय चीन इत्यादि सब इंडिया से बहुत समय पहले लीगेसी इशू में लिया था 43,000 किलोमीटर। अब है LAC। ये जो LAC है, LAC के आसपास के एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन। उस एरिया में भी, चाहे वो चीन के साइड का ही LAC हो, उसमें भी बिल्डअप नहीं होना चाहिए, उसमें भी चीन को ये अधिकार नहीं है कि वो स्ट्रक्चर इरेक्ट करे। किंतु अपने साइड के एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन जो कि LAC के चीन के साइड में है, वहां चीन ने कुछ स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की, वहां चीन ने बिल्डअप की कोशिश की। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि ये नहीं चलने वाला है, आप पीछे हो जाइए। दूसरा, भारत अब अपने LAC की तरफ 50-60 वर्षों के बाद पहली बार AK एंटोनी जी का वो बाइक चलाइए पार्लियामेंट में, जहां एंटोनी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की एक नीति है अंडर डेवलप्ड बॉर्डर, बॉर्डर डेवलप नहीं होना चाहिए, बॉर्डर पे सड़क नहीं होना चाहिए। हमने सड़कें बनाई, हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इसी को तो कहते हैं लाल आंख दिखाना। लाल आंख दिखाना मतलब आंखों में लालिमा लगा के चिल्लाना नहीं होता है। लाल आंख दिखाना मतलब तुम्हारे घर तक सड़क लेके जाएंगे, तुम्हारे घर तक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाएंगे, इसी को लाल आंख कहते हैं। ठीक है, जो बिल्डअप किया है चीन ने अपने हिस्से में वो वापस ले जाएगा। अपने हिस्से की बात छोड़िए, जहां हमारी सेना के जवान गश्त लगा सकते थे 1 अप्रैल 2020 तक,
क्या 23 जून को वहां वो जा पा रहे हैं इसका जवाब स्पष्ट के कभी नहीं देंगे। बिल्कुल जा पा रहे हैं और गश्त लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको टीवी चैनल पे, सुन लीजिए। आपने देश की सेना के ऊपर सवाल उठाया है, मैं जवाब दे देता हूँ। ना ना, मैं सेना का अपमान नहीं सहने वाला, मैं सेना का अपमान नहीं सहूंगा। आपने अभी कहा कि सेना गश्त नहीं कर पा रही है, आपने ये मेरे बीच में ऐसे ही कर रहे थे, थोड़ा सा मेडिसिन दे, ठीक है ठीक है। ये मेरे समय बीच में नहीं, ये LAC पार करके मेरे समय आए थे। ना देखिए, ये चाइना है तो मैं भारत हूँ, ये LAC क्रॉस करके मेरे समय मेरे साइड आ गए थे। अब मैंने इनको लाल आंख दिखाया है कि तुम भी क्रॉस करोगे तो मैं भी क्रॉस कर जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।